दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब कर्ण की मृत्यु का समय निकट आ चुका था, तो मरते हुए कर्ण ने ऐसे क्या कहा था कि जिससे श्री कृष्ण भी अपना रोना न रोक सके। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। प्यारे दोस्तों, दानवीर कर्ण महाभारत के अहम पात्र थे। वह कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे। कुंती ने कर्ण को बचपन में ही नदी में प्रवाहित कर दिया था। उनका लालन पालन अधिरथ और राधा ने किया था। महाभारत की कथा के अनुसार कुंती ने लोक लाज के डर से पुत्र कर्ण को बचपन में ही एक बक्से में रख नदी में बहा दिया था। इस बक्से को भीष्म पितामह के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने देखा और जब उसमें बच्चा मिला था, उन्होंने उसका लालन पालन किया। पालनकर्ता माता के नाम पर कर्ण को राधे भी कहा जाता है। कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाया, जिसके कारण उनको अंगराज भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ण कुंती के पुत्र थे और जब सूर्य ने कुंती को वरदान दिया तो मंत्र बल से उन्हें पुत्र रूप में कर्ण की प्राप्ति हुई थी। चूंकि उस वक्त कुंती अविवाहित थीं, इसलिए उन्होंने कर्ण का त्याग कर दिया और बाद में उन्हें एक रथ चालक ने पाला। रथ चालक का पुत्र होने के कारण उन्हें सूत पुत्र कहा गया। वह वीर योद्धा थे और यही वजह है कि कर्ण की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार भूमि पर नहीं किया गया था। दरअसल उन्होंने श्री कृष्ण से यह वरदान मांगा था कि मृत्यु के पश्चात मेरी देह का ऐसे स्थान पर अंतिम संस्कार कीजिए जहां कोई पाप न हुआ हो। बचपन में कुंती ने एक बार दुर्वासा आर्ष्य का बहुत अच्छे तरीके से अतिथि सत्कार किया था। इससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया जिसके द्वारा वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। एक दिन कुंती के मन में उस मंत्र को आजमाने का ख्याल आया। वह बाहर निकली तो देखा कि सूर्य अपनी पूरी भव्यता में चमक रहे थे। उनकी भव्यता देखकर वह बोल पड़ी, मैं चाहती हूँ कि सूर्य देव आ जाएं। सूर्य देव आए और कुंती गर्भवती हो गई और एक बालक का जन्म हुआ। वो सिर्फ 14 साल की अविवाहित स्त्री थी। उसे समझ नहीं आया कि ऐसे में सामाजिक स्थितियों से कैसे निपटा जाएगा। उसने बच्चे को एक लकड़ी के डिब्बे में रख दिया और बिना उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे उसे नदी में बहा दिया। उसे ऐसा करने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, पर वो कोई भी कार्य पक्के उद्देश्य से करती थी। एक बार वो अगर मन में ठान लेती तो वो कुछ भी कर सकती थी। उसका हृदय करुणा शून्य था। कर्ण एक ऐसा पात्र था महाभारत में जिसे देव पुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उसको समाज में अस्वीकार किया गया। महाभारत की कहानी रोचक और दिल दहला देने वाली कहानियां से भरी हुई है। अंगराज कर्ण यानी सूर्यपुत्र कर्ण की मृत्यु महाभारत की कुछ इन्हीं घटनाओं में से एक है। यह बात तो हम सब जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु ने दुर्योधन के बल को चकनाचूर कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कर्ण की मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या हुआ? आखिर क्या हुआ उसकी पत्नी का? जब उसे कर्ण की मृत्यु की सूचना मिली, अंगराज कर्ण की पत्नी का नाम रुशाली था। महाभारत में कर्ण की पत्नी रुशाली का वर्णन एक बुद्धिमान, चरित्रवान और पतिव्रता पत्नी के रूप में किया गया है। अंगराज कर्ण की तरह ही उनकी पत्नी रुशाली भी एक सूत पुत्री थी। एक सूत पुत्री होने के कारण अपने पिता आधीरथ के कहने पर कर्ण ने रुशाली से विवाह किया था। रुशाली दुर्योधन की विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन थी और एक बुद्धिमान स्त्री भी थी। महाभारत में कर्ण की पत्नी रुशाली के बारे में बहुत ही कम वर्णन मिलता है, लेकिन रुशाली का तप और प्यार किसी स्त्री से कम नहीं था। महाभारत में उसे सत्य और निष्ठा का पालन करने वाली एक धर्म मां स्त्री के रूप में दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि रुशाली को द्रौपदी के चीर हरण की खबर पहले ही लग गई थी। रुशाली ने दुर्योधन और शकुनी के इरादे को पहले ही भांप लिया था। रुशाली ने द्रौपदी के चीर हरण को पहले से ही रोकने का पूरा प्रयास भी किया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। कहते हैं कर्ण की मृत्यु के बाद रुशाली की जीने की इच्छा लगभग खत्म ही हो गई थी। उसके बाद वह कर्ण की चिता पर ही उसके साथ सती हो गई। महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारे पुत्र मारे जा चुके थे, लेकिन उसका और रुशाली का एक पुत्र अंत तक जीवित बचा हुआ था। जब रुशाली को कर्ण की मृत्यु की सूचना मिली तब उसे पता चला कि उसका दाह संस्कार किया जा रहा है, तो वह भी युद्ध भूमि में पहुंची। और उसके बाद जब कर्ण की चिता पर आग लगाई गई तब उस समय रुशाली भी उनके साथ सती हो गई। कहते हैं रुशाली और कर्ण का एक पुत्र जीवित बचा हुआ था
जी हाँ, ऐसे तो कर्ण के 9 पुत्र थे। कहते हैं रूशाली तो कर्ण के साथ सती हो गई, लेकिन सुप्रिया माता कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र के साथ वन में तप के लिए चली गई थी। कहते हैं कर्ण के यह 9 के 9 पुत्र बड़े ही तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा थे और यह सब अपने पिता के समान ही हर युद्ध कौशल में माहिर थे। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर कर्ण के पुत्रों ने खलबली मचा दी थी। उन्होंने अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया और भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार किया। कर्ण के पुत्रों ने युद्ध में वह रण कौशल दिखाया जिसे देखकर अनेकों पांडव योद्धा भयभीत होते उठते थे। अपने पिता कर्ण के समान यह भी पांडवों की विजय में बहुत बड़े भ्राता थे। पांडव जानते थे कि बिना कर्ण और उसके पुत्रों के दमन के वह युद्ध नहीं जीत सकते। वही युद्ध के 17 दिन कर्ण और अर्जुन के बीच बड़ा घनघोर युद्ध हुआ और जहां पर भगवान श्री कृष्ण की चतुराई और छल के कर्ण अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए, उसी दिन कर्ण के 8 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वहीं शत्रुंजय, वृषसेन और द्विपद को अर्जुन ने मारा। वहीं भीम के हाथों बनसेन की मृत्यु हुई तो चित्रसेन, सत्यसेन और सुषेण को स्वयं नकुल ने मारा। इस प्रकार कर्ण के 9 में से 8 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए। कहते हैं वृक्षकेतु कर्ण और रूशाली का इकलौता जीवित पुत्र था। वर्षकेतु के पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था तथा उसकी माता भी कर्ण की चिता पर सती हो गई थी। वृक्षकेतु अकेला हो गया था, उसके सभी अपने चल बसे थे, लेकिन इसके बाद भी उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं डाली। वृक्षकेतु का बचपन दरअसल अपनी माता यानी रूशाली के साथ ही बीता था, इसलिए उसके चरित्र पर उसकी माता का प्रभाव पड़ा। उसने कभी भी पांडवों के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा तथा उसने कभी भी अर्जुन को गलत नहीं माना। वृषकेतु धर्म और धर्म का ज्ञान रखता था, साथ ही उसे इस बात का भी ज्ञान था कि आखिर किन परिस्थितियों में कर्ण ने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत युद्ध के बाद पांडव जब विजय हुए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, तब पांडवों को पता चला कि कर्ण का एक पुत्र अभी भी जीवित है, इसीलिए उन्होंने वृषकेतु को अपने पास बुलाया। वृषकेतु को पांडवों ने बड़ा स्नेह दिया। अपने बड़े भाई कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पांडवों ने वृक्षकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया और कर्ण पुत्र वृक्षकेतु ने युधिष्ठिर के छत्र छाया में वर्षों तक शासन किया तथा वह एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित हुए। वृषकेतु और घटोत्कच के पुत्र में बहुत गहरी मित्रता थी तथा उन्होंने मिलकर अनेकों युद्ध जीते थे। दोनों ने मिलकर भद्रावती की सेना को भी हराया था जो कि उस समय में बड़ी खूंखार सी थी। कहते हैं कि वृषकेतु ने अर्जुन के संरक्षण में कई सारे युद्ध जीते और अनेकों युद्ध में अर्जुन के साथ रहते हैं। जब युधिष्ठिर ने आश्रम का यज्ञ किया तब उस समय भारत की विजय पर अर्जुन के साथ वृषकेतु भी निकले थे, जहां दोनों ने मिलकर अनेकों राजाओं को परास्त किया और उनके राज्यों को छीना। इसी अभियान के समय में जब जाने अनजाने में अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन से उनका मुकाबला हुआ तो बब्रुवाहन का युद्ध स्वयं वृषकेतु के साथ भी हुआ था और बब्रुवाहन ने अर्जुन के साथ साथ वृषकेतु का भी वध कर दिया था। माना जाता है कि अर्जुन की अन्य पत्नी उलूपी ने अर्जुन के साथ साथ वृषकेतु को भी पुनः जीवित किया था। तो आप कर्ण के पूरे परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर कारण कौरवों का साथ नहीं देते तो क्या होता, यह भी हमें अवश्य बताइएगा। तो वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।